11 फरवरी 2023 को समय करीब 2:30 बजे मांडर थाना क्षेत्र अंतर्गत मिशन चौक के पास शंकर एंड सन्स ज्वेलरी दुकान में 3 अज्ञात अपराधियों के द्वारा हथियार के बल पर दुकान में रखे सोना चांदी एवं रुपया को लूट लिया गया। इस संदर्भ में उक्त कांड दर्ज किया गया। उक्त कांड के निवेदन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रांची के नेतृत्व में एक SIT टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा अनुसंधान के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड में शामिल तीनों प्राथमिक अभियुक्तों 21 फरवरी 2023 को अरगोड़ा थाना क्षेत्र से मोहम्मद आमिर अंसारी उर्फ रॉक, मोहम्मद आकिब खान उर्फ टोपी पाकिया एवं कांके से मोहम्मद साबिर उर्फ दाऊद खान को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान इनके द्वारा बताया गया कि उक्त दुकान को पिछले 6 माह से रेकी किया और मौका देखकर शंकर एंड सन्स ज्वेलरी दुकान में अवैध हथियार का भय दिखाकर सोना चांदी एवं रुपये का लूटपाट किया। इनके निशानदेही पर लूटपाट का सभी सामानों को बरामद किया तथा साथ ही घटना प्रयुक्त अवैध हथियार को भी पुलिस ने बरामद किया। इस संबंध में पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। रांची से देवान सिन्हा की रिपोर्ट। तकरीबन 2:30 बजे मांडर थाना अंतर्गत मिशन चौक के पास एक ज्वेलरी शॉप से लूट की घटना 3 अपराध कर्मियों के द्वारा कारित की गई थी हथियार के बल पर, जिसमें ज्वेलरी शॉप से सोना चांदी की ज्वेलरी और कैश की भी लूट की गई। इस संदर्भ में कांड तत्काल दर्ज किया गया और दर्ज करने के पश्चात एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में किया गया और इस पूरी टीम को DSP खिलाड़ी लीड कर रहे थे, जिसमें थाना प्रभारी और उनके थाने के अन्य पदाधिकारी एवं टेक्निकल सेल की टीम भी काम कर रही थी और मानवीय आसूचना एवं तकनीकी आसूचना के आधार पर 3 अपराध कर्मियों की जो इसमें संलिप्त थे गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद आमिर अंसारी, मोहम्मद आकिब खान, मोहम्मद साबिर उर्फ दाऊद खान, इसमें से 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी अरगोड़ा थाना क्षेत्र से हुई है और 1 अपराध कर्मी की गिरफ्तारी कांके थाना क्षेत्र से की गई है। इनके पास से जो कुल बरामदगी हुई है वो सोने की जो गोल्ड ज्वेलरी थी वो लगभग 250 ग्राम से अधिक मात्रा में है, चांदी लगभग 9 किलो से अधिक मात्रा में है, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी है, मोबाइल फोन्स भी इनके पास से 4 बरामद हुआ है और जो हथियार इसमें प्रयुक्त हुआ था इसमें एक हथियार भी बरामद हुआ है, साथ ही कुछ जिंदा कारतूस भी इनके पास से बरामद किया गया है। अगर इनके आपराधिक इतिहास की बात करें तो इनमें से तीनों का ही पहले से आपराधिक इतिहास अभी तक जो हम लोगों को प्राप्त हो पाया है, उसमें जो आकिब है वो पहले भी अरगोड़ा थाना क्षेत्र से 2019 में एक हत्याकांड में, जो दानिश हत्याकांड के नाम से उस समय ख्यात हुआ था, उस हत्याकांड में पहले भी ये न्यायिक हिरासत में जा चुका है। आमिर जो है वो भी सेम हत्याकांड में 2019 में जेल गया था और 2017 में एक निजी वित्तीय कंपनी में डकैती करने के अपराध में भी उसे जेल भेजा गया था। मोहम्मद साबिर वो भी अनगढ़ा थाना से एक लूट के मामले में 2018 में जेल जा चुका है और 2020 में भी एक आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। इन तीनों ने जो रातू थाना क्षेत्र में भी एक घटना घटित हुई थी, तकरीबन 6 महीने पहले एक ज्वेलरी शॉप ओनर की हत्या कर दी गई थी लूटपाट के दौरान, उस मामले में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की, जिसके संदर्भ में अभी इन्हें रिमांड में लेकर के और विस्तृत पूछताछ करेंगे।